एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में। सो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी टेक्निक होती है, ये हम किस लिए परफॉर्म करते हैं। अब देखो, आपने सक्सेसफुली अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में हमारा डिज़ायर्ड जीन गया है, कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में हमारा डिज़ायर्ड जीन गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज विथ डिज़ायर्ड जीन। सो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन ये जो मेथड होता है, वो हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हमें मास्टर प्लेट को प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले हमें मास्टर प्लेट को प्रिपेयर करना होता है। आपको क्या करना है, जो आपका बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन है, सॉलिड अगार मीडियम पर आपको उसको इनोक्यूलेट करना है टू प्रिपेयर द मास्टर प्लेट। आफ्टर द इनोक्यूलेशन, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है वो डेवलप हो जाएंगी विद द डिफरेंट प्लाज्मिड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर प्लेट या फिर रेफरेंस प्लेट। सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ अगार प्लेट, ये आपकी प्लेट है, ये इस पे अगार है, आपने क्या किया, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ करा ली। और ये जो हमारी प्लेट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर प्लेट और दी रेफरेंस प्लेट, इसको बोलेंगे मास्टर प्लेट या फिर रेफरेंस प्लेट। अब आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकास ओवर अ नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये जो आपके रेड कलर के बैक्टीरियल सेल्स हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोस पेपर के ऊपर। तो हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, नाइट्रोसेलुलोस पेपर रख दिया। सो ये जो हमारी प्लेट थी, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, नाइट्रोसेलुलोस पेपर रख दिया, जस्ट टू गेट द प्रिंट ऑफ दीज कॉलोनीज। तो हमने इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोस पेपर रख दिया। नाउ आप अब उसको क्या करोगे, उस पेपर को प्रेस करोगे ओवर द सर्फेस ऑफ द मास्टर प्लेट। इस कंप्रेशन से क्या होगा, दिस कंप्रेशन विल फॉर्म द रेप्लिकास और इट विल फॉर्म द कॉपीज ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स एज दैट ऑफ द मास्टर प्लेट। सेम कॉपीज आपको उस फिल्टर पेपर, जो आपका नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो ये देखो, ये आपका नाइट्रोसेलुलोस पेपर के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आपकी मास्टर प्लेट पे थी, वैसी ही आपको क्या मिल चुकी है, कॉलोनीज यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ दिस फिल्टर पेपर विद द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आप यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हो, डिटर्जेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं SDS. SDS इज़ द सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। अब हमें इसे SDS के साथ ट्रीट करना है। SDS के साथ हम क्यों ट्रीट करते हैं, टू लाइज द बैक्टीरियल सेल्स की को लाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, SDS का यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फिल्टर पेपर विद द एल्कली। एल्कली क्या होगी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो NaOH के साथ आपको क्या करना है, एल्कली के साथ ट्रीटमेंट करना है इस फिल्टर पेपर का। एल्कली के साथ हम इसलिए करते हैं टू सेपरेट द DNA इनटू द सिंगल स्ट्रैंड्स। जो आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाए, इसके लिए हम एल्कली का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आप क्या करोगे, फिक्सेशन ऑफ द DNA ऑन टू द फिल्टर पेपर। अब हमें उस DNA को फिक्स करना है फिल्टर पेपर के ऊपर। सो टू फिक्स द DNA ऑन टू दैट नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर पेपर, हम उसको या तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे या फिर आप उसको UV लाइट में एक्सपोजर दे सकते हो टू फिक्स द DNA ऑन दैट फिल्टर पेपर। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब्स। प्रोब्स क्या होते हैं, ऐसी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के। सो अब हम क्या करेंगे, उस नाइट्रोसेलुलोस पेपर को वी विल हाइब्रिडाइज इट विद बाय एडिंग द रेडियो एक्टिव प्रोब्स।
सो अब ये जो प्रोब्स होती हैं दे कोड फॉर द डिजायर्ड जीन ऑफ सीक्वेंस. अब ये क्या करेंगी, जो भी मान लीजिए ये जो हमारी दो कॉलोनीज थी यहाँ पे, अब हमारा डिजायर्ड जो हमारा डीएनए था वो यहाँ पर प्रेजेंट था, तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स थे वो वहाँ पर बाइंड हो गए. बाइंड हो गए उसके बाद डीएनए हाइब्रिडाइजेशन विद द रेडियो एक्टिव आरएनए प्रोब्स हमने यहाँ पर कर ली है. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द ऑटो रेडियोग्राफी. वॉशिंग भी आपको करनी है यहाँ पे. इससे पहले आपको वॉशिंग करनी है. वॉशिंग इसलिए करते हैं कि जो भी अनवांटेड प्रॉब्स होते हैं वो रिमूव हो जाए. उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल एक्सपोज दैट नाइट्रोसेलुलोज पेपर टू दी एक्सरे फिल्म. आप क्या करोगे, उसको एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करोगे बाई दी मेथड ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी टू विजुअलाइज इट. नाउ आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे आपके डिजायर्ड जीन को बाई कंपेयरिंग इट विद दी मास्टर प्लेट. सो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, ये हमारी रेप्लिका प्लेट है, और ये हमारे पास क्या है, मास्टर प्लेट है. तो अब हम मास्टर प्लेट में देखते हैं ये दो जो जीन्स है ये हमारे पास यहाँ पे आए हैं, यानी कि यही जो है हमारे डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है. फिर हम इनको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. सो आपने देखा कि ये जो हमारा कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का मेथड होता है, इट बिगेंस विथ कल्चरिंग द पॉपुलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑन अ न्यूट्रिएंट अगार प्लेट. एंड फिर ये क्या होते हैं, हम इन कॉलोनीज को रेप्लिकेट कराते हैं ऑन टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एंड आफ्टर विच वट हैपन्स, द सेल्स ऑन द फिल्टर पेपर दे आर लाइज्ड एंड द डीएनए इज डीनेचर अलाउिंग इट टू बाइंड इट टू द फिल्टर. फॉर डी नेचरिंग हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्कली यूज़ किया था हमने. अब ये फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी प्रोब्स के साथ, एंड उसके बाद स्क्रीनिंग के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ करोगे. सो जो भी आपका डिज़ायर्ड जीन था आप उसको कंपेयर करोगे एंड आपको पता चल जाएगा कि येस दिस वॉज दी कॉलोनी जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुँचा था. So this is all about the colony hybridization. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.